हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आप किस तरीके के डायग्राम्स बनाओगे और कौन से पॉइंट्स लिखोगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ वायर्स। अब ये वाला कौन सा टॉपिक है हमारा, केबल का। अब वायर और केबल में अगर बेसिक डिफरेंस में बोलना चाहूं तो वायर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड नहीं होते, जबकि केबल्स जो है अंडरग्राउंड हो सकते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूं तो वायर जो होता है उसपे एक या दो इंसुलेशन के लेयर्स आते हैं, और केबल जो होता है उसमें दो या दो से ज्यादा इंसुलेशन के लेयर आते हैं। तो ये सारा था डिफरेंस बिटवीन वायर्स एंड केबल्स। तो अब हम कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम में आपको इस तरह की कुछ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहला पोर्शन आता है कंडक्टर या फिर कोर। अब कंडक्टर का क्या यूज है आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के बने हुए होते हैं। यहां पे ये कोर जो है ये सिंगल कोर कहलाया जाता है क्योंकि एक ही कंडक्टर, ठीक है। अब ऐसा मल्टी कोर भी आते हैं। अभी अगर आपको मैं बताना चाहूं तो ये मेरे पास है मल्टी कोर केबल, तो दिखने में कुछ ऐसा होता है। यहां पे आप देख सकते हो एक से ज्यादा कोर या एक से ज्यादा कंडक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इंसुलेशन। अब ये जो कंडक्टर है उसके ऊपर इंसुलेशन आता है रबर मटेरियल का जनरली, और ये जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है वो थिकनेस किस पर डिपेंड करती है कि ये कंडक्टर में से आप कितना करंट पास करा रहे हो, कितना वोल्टेज पास करा रहे हो, उस हिसाब से ये इंसुलेशन की थिकनेस डिसाइड करी जाती है, ठीक है। अब ये जो इंसुलेशन है उसके ऊपर एक मेटालिक सीट आती है। अब ये जो मेटालिक सीट है यहां पे मैंने लिख के रखी है, वो मेटालिक सीट किस काम आती है, तो टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर गैसेस एंड डैमेजिंग लिक्विड से, ये मेटालिक सीट प्रोटेक्शन देती है। अब ये जो मेटालिक सीट है वो कौन से मटेरियल से बनी होती है, तो यहां पर मैंने लिख के रखा है लीड से बनता है या फिर एल्यूमिनियम से भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वो बेडिंग होता है। बेडिंग हमने पहले ही पढ़ के रखा है। बेडिंग क्या होता है, किससे प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन देता है क्या, जो हमारा केबल होता है उसको कोरोजन से प्रोटेक्शन देता है और मैकेनिकल इंजरी से ये बेडिंग प्रोटेक्शन दे देता है। अब ये बेडिंग जो है वो कौन से मटेरियल का बनाया होता है, तो फाइबरस मटेरियल होते हैं जैसे कि जूट है, हेजन है, इस मटेरियल से ये बेडिंग हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये बेडिंग के ऊपर बच्चों आर्मरिंग आता है। अब ये आर्मरिंग क्या करता है, यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, और ये किस मटेरियल से बनाया होता है, गैल्वेनाइज स्टील वायर से बनाया गया होता है। अगर ये आर्मरिंग आपको दिखाना चाहूं तो ये वायर के अंदर ये आपको यहां पे दिखा होगा स्टील, गैल्वेनाइज स्टील, यहां पे ये शार्प जो एजेस है ये आर्मरिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो पार्ट आता है वो सर्वेइंग है। सर्वेइंग यानी सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जहां पे मैंने ये मेरा थंब और फिंगर रख के रखा है, ठीक है। ये सर्वेइंग क्या काम करता है, जो भी हमारा आर्मरिंग है, ये आर्मरिंग है उसको एटमोस्फियर से प्रोटेक्शन देता है, यानी कि वो कोरोजन से बच जाता है हमारा आर्मरिंग। और जो उसका मटेरियल होता है सर्वेइंग का, वो हमारा जो बेडिंग का जो मटेरियल होता है जूट और हेसन जैसा, ऐसा ही मटेरियल हम सर्वेइंग में भी यूज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसके। अब ये सारे जो केबल के क्लासिफिकेशन है ये आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखने हैं। तो यहां पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कैसे है। तो पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोर्स, तो सिंगल कोर, टू कोर, थ्री कोर, थ्री एंड हाफ कोर, फोर कोर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वोल्टेज, यानी कितना तक वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसके लिए है लो टेंशन ऑपरेशन, इतने वोल्टेज के लिए हाई टेंशन ऑपरेशन के वोल्टेज है, दैट सुपर टेंशन के वोल्टेज है, ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन ऑपरेशन के वोल्टेज है, ये एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज ऑपरेशन के वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो है पावर केबल। अब पावर केबल कहाँ यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे लिखा है यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, आप बोल सकते हो जो अंडरग्राउंड होते हैं। कंट्रोल केबल कहाँ पे यूज होता है, यूज फॉर सिग्नल्स। अब यूज फॉर सिग्नल, अब ये कैसे केबल है सर, अब हमारे पास पहले BSNL का लैंडलाइन फोन हुआ करता था तो उसके अंदर भी एक केबल आता था, अब वो केबल क्या ट्रांसमिट करता था, सिग्नल ट्रांसमिट करता था,
सिग्नल इन फॉर्म ऑफ वॉइस ट्रांसमिट करता था, तो वो कौन सा केबल हो गया, कंट्रोल केबल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इंसुलेशन, तो है रबर इंसुलेटेड, पीवीसी इंसुलेटेड, पॉलीथीन इंसुलेटेड, पेपर इंसुलेटेड। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सीथ, यानी सीथ का कैसा मटेरियल है उसके हिसाब से, तो पीवीसी सीथ है, लीड सीथ है, लीड एलॉय सीथ है और एल्यूमिनियम सीथ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन आर्मनिंग, आर्मनिंग का कौन सा मटेरियल, कैसा कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से, सिंगल लेयर स्टील वायर आर्मर्ड है, डबल लेयर स्टील वायर आर्मर्ड है और डबल लेयर स्टील टेप आर्मर्ड है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, तो है लो टेंशन केबल, बेल्ट केबल, एच टाइप, एसएल, एचएसएल टाइप, सुपर टेंशन जिसमें ऑयल होता है और दूसरे में गैस प्रेशर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।